फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होने लगती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम है ना वो ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होने लगती है बार बार, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे एप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समय डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना इसी पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू पे टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। तो आपका कैच के समय डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है, तो नीचे आपको जो है ना सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो होता है इसे टैप करना है। अब इस पेज में आपको ये सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पर दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।